स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप पिछली कक्षा में देख रहे थे कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाला जो अपना चैप्टर है, उसमें कार्य और ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बताए गए थे और आशा करते हैं आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। इनको जब तक आप वापस रीट्राई नहीं करेंगे, वापस इसके लिए सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तब तक वो समझ में नहीं आएंगे। प्रैक्टिस खुद करेंगे तब जाके वो समझ में आएंगे। तो ऐसा आप कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं उसी कड़ी में जो आपको बताया गया था। विद्युत ऊर्जा, हमने यांत्रिक ऊर्जा के बारे में देखा था, उसके दो पार्ट होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब जो है वो अपना अगला ऊर्जा का एक बिंदु है, जो है विद्युत ऊर्जा। हम सभी विद्युत ऊर्जा से परिचित हैं, हमारे घरों में जो ऊर्जा आती है वो विद्युत ऊर्जा होती है। आवेशों को गतिमान बनाने के लिए जो ऊर्जा ली जाती है, तो उपभोक्ता जो को दी जाती है, उसमें से जो विद्युत वाली कंपनियाँ होती हैं उसको हम बिल पे करते हैं यूनिट्स में, KWH में। ऐसा हमने विद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो बिल हम चुकाते हैं वो KWH या यूनिट में चुकाते हैं। तो विद्युत ऊर्जा के बारे में देख लीजिए, इसकी परिभाषा हमने आपको पहले से ही बता रखी है, अभी हम इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर रहे हैं। ये नोट्स में जब आप भेजेंगे, आपको भेजेंगे, तो पूरा थ्योरिकल चैप्टर है, ये थोड़ा सा टॉपिक है, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अभी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आवेशित कणों में जो ऊर्जा निहित होती है, पहले तो सभी जो चालक पदार्थ होते हैं उसमें आवेश पाए जाते हैं, ये आपको पता होगा। परमाणु जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स वगैरह पाए जाते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं चार्जेज या आवेश, धनावेश और ऋणावेश। तो किसी भी वस्तु में आवेश पाए जाते हैं, और इन आवेशित कणों में जो ऊर्जा निहित होती है, संचित होती है या पाई जाती है, वही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ये परिभाषा है विद्युत ऊर्जा की। जब कण आवेशित होते हैं तो आवेशित कणों के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कण कण को जब हम आवेशित करेंगे, किसी भी तार को, संयोजक तार को जब हम कनेक्ट करते हैं प्लग के साथ, बटन को ऑन करते हैं, तो विद्युत धारा का फ्लो होता है, विद्युत धारा उसमें बहती है। और विद्युत धारा बहने से क्या होता है, आवेशित कणों के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और यह विद्युत क्षेत्र समीप के दूसरे आवेशित कणों पर एक बल आरोपित करते हैं, बल निरूपित करते हैं, लगाते हैं, और फिर इसकी वजह से उन्हें भी ये गति प्रदान कर देते हैं, अपने पास वाले कणों को भी, जिससे ऊर्जा का संचरण होता है। फिर ऊर्जा जो है संचरित होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, बढ़ती है आगे से आगे। कण चार्ज हो गए, अपने पास वाले कणों को वो गतिमान बना देंगे, उसके पास वाले कण उसको आगे वाले कणों को संचरित कर देंगे ऊर्जा। इस तरह से ऊर्जा आगे से आगे ट्रांसफ़र होती रहती है, संचरित होती रहती है। जिधर एक धनावेशित कण उस क्षेत्र में गति करेगा, आवेशित कणों की स्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। आवेशित कण जो है उसकी स्थिति में बदलाव हो गया कि नहीं हो गया, उसकी लोकेशन चेंज होगी, पहले जहाँ थे अब वो आगे चले गए हैं, तो आवेशित कणों की स्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। और विद्युत क्षेत्र द्वारा जब इन कणों पर बल लगाया जाता है, तो ये एक निश्चित दिशा में क्या करेंगे, गमन करेंगे, चलने लगेंगे। और यदि एक धनावेशित कण को ऋणावेशित स्रोत से दूर ले जाना हो, तो हमें बाह्य बल लगाना होगा, और इस प्रक्रिया में धनावेशित कण की जो स्थितिज ऊर्जा पहले थी वो बढ़ जाएगी। जैसे ही बाह्य बल को हम हटाते हैं, कण विद्युत क्षेत्र में ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा से फिर कम स्थितिज ऊर्जा की ओर गमन करने लगेगा। इसी तरह से धनावेशित कण स्वाभाविक प्रक्रिया स्वरूप ऋणावेशित स्रोत की तरफ गति करेगा। धनावेशित कण जो है वो ऋणावेशित कण की ओर गति करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र के संपर्क में है वो, और इससे उसकी स्थिति ऊर्जा बदल जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो कण गति करेगा। ऋणावेशित कण किस ओर गति करेगा? धनावेशित कण की ओर। इस प्रक्रिया में आवेशित कणों की स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। यांत्रिक ऊर्जा के रूप होते हैं स्थितिज और गतिज। तो ये यहाँ पे हम क्या देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा है वो लगातार उसका कन्वर्सन होता है गतिज ऊर्जा में, और यह ऊर्जा हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है।
आपको बताया था कि आवेशित कण जो है उसकी उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, लेकिन जैसे ही उसको विद्युत ऊर्जा मिलती है तो वो और ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा उसमें आ जाती है, बढ़ जाती है उसकी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से वो क्या करते हैं, गतिमान हो जाते हैं, और गतिमान जब होंगे वो तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और फिर ये धीरे धीरे से कन्वर्सन होता रहता है और विद्युत का उत्पादन विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा होता है। सन 1831 में माइकल फेराडे ने विद्युत जनित्र की खोज की थी। हम इससे पहले वाला जो चैप्टर था अपना, उसमें विद्युत जनित्र के बारे में हमने पढ़ा था, जनरेटर के बारे में हमने पढ़ा था, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और अर्धिष्ट धारा जनित्र यानी एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बारे में बताया था आपको। तो विद्युत जनित्र की खोज किसने की थी, 1831 में माइकल फेराडे ने की थी। और अब देखिए, एक विद्युत संयंत्र का ब्लॉक आरेख बनाइए, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कोयला दहन अथवा नाभिकीय अथवा सौर ऊष्मा यंत्र, सौर ऊष्मा संयंत्र संयंत्र ठीक है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। कोयला दहन हो सकता है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हो सकता है, या फिर सौर ऊष्मा संयंत्र हो सकता है। और इन सब से क्या होता है, पानी पे क्रिया होती है, इन सब से ऊष्मा प्राप्त की जाती है, फिर पानी पे उसको गिराया जाता है, जिसकी वजह से पानी की क्या बन जाती है, भाप बन जाती है, समझ गए। और इस भाप को किस पे गिराया जाता है, टरबाइन पे इसको गिराया जाता है। और टरबाइन किसका भाग है, किससे जुड़ी रहती है टरबाइन, जनित्र से, जिससे जनित्र घूमता है, और जनित्र घूमने से फिर क्या उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा। और भाप जो है वो लगातार कन्वर्ट होती रहती है पानी में, इसके लिए शीतलक लगे होते हैं। भाप को वापस पानी में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगे होते हैं, शीतलक। तो ये जो पूरा आप रेखा चित्र देख पा रहे हैं, ये है विद्युत संयंत्र का ब्लॉक आरेख, विद्युत संयंत्र का ब्लॉक आरेख है ये। सभी प्रकार के विद्युत संयंत्र होते हैं, उसमें कॉमन चीज़ होती है कि उसकी जो ऊष्मा होती है उससे उसको पानी पे गिराया जाता है, जिसकी वजह से उसकी भाप बनती है, भाप लगातार पानी बनती रहती है, और फिर भाप को टरबाइन पे गिराया जाता है, जिसकी वजह से टरबाइन घूमती है, और टरबाइन जनित्र से जुड़ी रहती है, इसीलिए जनित्र घूमेगा और फिर उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो विद्युत संयंत्र का ब्लॉक आरेख बनाइए, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप ये चित्र है बनाएंगे। विभिन्न प्रकार के विद्युत संयंत्र, विभिन्न प्रकार के विद्युत संयंत्रों में पहला हम देखते हैं कोयला संयंत्र। कोयले से जहां लाइट का उत्पादन होता है उसे कोयला संयंत्र कहते हैं। इसमें कोयले में स्थित रासायनिक ऊर्जा का दहन कर, कोयले में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा, तो इसमें क्या होता है, कोयले में स्थित रासायनिक ऊर्जा का दहन कर यानी उसको जलाकर, और किस कोयले की हम बात कर रहे हैं, खनिज कोयले की,
एंथ्रेसाइट, बिटुमिनी, पीट, लिग्नाइट और पीट। इस कोयले की हम बात कर रहे हैं, ये खनिज कोयला होता है। इसमें कोयले में स्थित रासायनिक ऊर्जा का दहन कर यानी उसको जलाकर ऊष्मा प्राप्त की जाती है और इस ऊष्मा से उच्च कोटि के परिशुद्ध पानी को भाप में बदला जाता है। यह भाप फिर टरबाइन को क्या करती है, गति देती है और टरबाइन जिससे घूमने लगती है और इस टरबाइन से जुड़ी हुई जनित्र से विद्युत का उत्पादन होता है। विद्युत जनित्र वो युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। और यहाँ पर पानी से टरबाइन को घुमाया जाता है, टरबाइन विद्युत जनित्र से जुड़ी रहती है। जब टरबाइन घूमेगी तो जनित्र चलेगा और जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। जनित्र को कौन सी ऊर्जा मिली, यांत्रिक ऊर्जा, किस में बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में, ऐसा हमने उस जनित्र वाले चैप्टर में पढ़ा था। फिर दूसरा है नाभिकीय संयंत्र। नाभिकीय संयंत्र, नाभिक किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु के बीच में पाई जाने वाली सघन संरचना नाभिक कहलाती है। रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये बीच में केंद्रीय भागों में पाए जाते हैं जबकि नाभिक पाए जाते हैं और इसके चारों तरफ कक्षाएँ होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण पाए जाते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिकीय संयंत्र में क्या होता है, इन संयंत्रों में नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा से, नाभिक के विखंडन का मतलब एक भारी नाभिक को लिया जाता है, फिर उस पर अल्फा कणों की या न्यूट्रॉन्स की बौछार करवाई जाती है जिसकी वजह से उसका विखंडन होता है, एक भारी नाभिक टूटता है दो हल्के नाभिकों में। उस दौरान बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा से क्या करते हैं, पानी को वाष्प में बदला जाता है और इस वाष्प के द्वारा टरबाइन और जनित्र की सहायता से विद्युत का उत्पादन होता है। तो चाहे कोई सा भी संयंत्र हो उसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऊष्मा की। अब वो ऊष्मा नाभिकों को तोड़ के आ रही है या फिर कोयले से आ रही है या फिर वो पानी के माध्यम से हमें मिल रही है, तो कोई सा भी संयंत्र हो भले ही उसमें हमें क्या चाहिए, ऊष्मा। किसको चलाने के लिए, टरबाइन और जनित्र को चलाने के लिए, जिससे किसका उत्पादन होगा, विद्युत ऊर्जा का। फिर है जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र। इसमें क्या होता है, देखिए जल विद्युत संयंत्रों में बांध बनाकर ऊंचाई पे बांध बनाए जाते हैं, फिर वहां पे पानी को चढ़ाया जाता है। तो पानी को जब नीचे से हम ऊपर बांधों में चढ़ाते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, कार्य, और वो कार्य उस पानी में किस रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। और इस ऊर्जा को फिर पानी की गतिज ऊर्जा में बदलकर फिर ऊपर से उसको गिराया जाता है, किस पे, टरबाइनों पे, समझ गए। तो टरबाइन पे जब वो गिरेगा तो पानी में कौन सी ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा, अब उसका कन्वर्शन किस में हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में, यानी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और जिसकी वजह से टरबाइन घूमते हैं और टरबाइन जुड़े रहते हैं जनित्र से। तो जनित्र जो है उसको मिल रही है यांत्रिक ऊर्जा और वो हमें क्या देगा, विद्युत ऊर्जा। इसके बाद में फिर है पवन ऊर्जा संयंत्र। पवन चक्की आपने देखी होगी, ऊंचाई पे जहाँ पे वर्ष पर्यंत हवाएं बहती है, तेज़ हवाएं बहती है, तेज़ हवा को पवन कहा जाता है। तो उन स्थानों पे पवन चक्की लगाई जाती है, जैसलमेर में ये पवन चक्कियाँ देखने को मिल जाती है काफ़ी। पवन चक्की में हवा की गतिज ऊर्जा से टरबाइन घुमाकर जनित्र द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। एक सिंगल पवन चक्की के बजाय एक ग्रुप में काफ़ी पवन चक्कियाँ लगाई जाती है क्योंकि उसकी जो एवरेज ऊर्जा होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए एक ग्रुप में उसको लगाने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। पवन ऊर्जा फर्म बोलते हैं इसको, जब ग्रुप इसमें ऐसी बहुत सारी पवन चक्कियों को लगा के उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है तो उसको हम पवन ऊर्जा फर्म बोलते हैं। पवन चक्की में हवा की गतिज ऊर्जा से टरबाइन घुमाकर जनित्र के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह दूसरे विद्युत संयंत्रों के मुकाबले में अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये वातावरण के लिए हितकारी है, वातावरण को इससे ज़्यादा प्रदूषण नहीं मिलता, इसीलिए यह दूसरे संयंत्रों की बजाय एक हितकारी संयंत्र है। फिर है सौर ऊष्मा संयंत्र।
सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को लेंस और दर्पणों की सहायता से केंद्रित करके यानी इकट्ठा करके इसे ऊष्मा में बदल दिया जाता है और इस ऊष्मा से फिर भाप बनाई जाती है, फिर टरबाइन को घुमाया जाता है और फिर जनित्र घूमता है जिसकी वजह से विद्युत का उत्पादन होता है। फिर है सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र। इन संयंत्रों में खुली जगह या फिर छतों पर सौर पैनल लगाए जाते हैं। आप देखा होगा छतों पे आनत यानी झुकी हुई कंडीशन में सौर पैनल लगाए जाते हैं। एक सिंगल लगा होता है तो सौर सेल बोलते हैं, लेकिन यदि वो समूह में 2, 5, 10, 15, 20, 50 लगे होते हैं तो फिर उसको सौर पैनल कहा जाता है। इन पैनलों में प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। सूर्य की किरणें जब इन पैनल के सेल पर आपतित होती है, गिरती है, तो ये सेल प्रकाश के फोटोन ग्रहण करके, सूर्य की किरणें जब इस पर गिरेगी तो ये सेल क्या करते हैं, प्रकाश के फोटोनों को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में ले आते हैं। ये जो बने होते हैं वो एक पदार्थ है, पदार्थ में क्या पाए जाते हैं, परमाणु, और परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो फोटोन ग्रहण करके और ये इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं और ये आवेशित कण विद्युत धारा के रूप में परिपथ को विद्युत प्रदान करते हैं। तो ये कुछ इसके संयंत्रों के उदाहरण थे। इतने प्रकार के संयंत्र पाए जाते हैं जिससे हमें विद्युत की पूर्ति होती है। फिर विद्युत ऊर्जा के कुछ उदाहरण, पहला इसमें एक कार बैटरी में रासायनिक क्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉन बनते हैं। एक कार की जो बैटरी होती है उसमें रासायनिक क्रिया होती रहती है जिसके द्वारा क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो विद्युत धारा के रूप में गति करते हैं और ये गतिमान आवेश कार में विद्युत परिपथ को विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं। बैटरी जो होती है उसमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, विद्युत धारा के रूप में फ्लो होते रहते हैं, गति करते रहते हैं और इनको बोलते हैं हम गतिमान आवेश। और इन्हीं गतिमान आवेशों के कारण कार में क्या होता है, जो विद्युत परिपथ पाया जाता है, सर्किट पाया जाता है, उसको विद्युत ऊर्जा लगातार मिलती रहती है। दूसरा है जब हम एक लाइट बल्ब का स्विच चालू करते हैं तो एक विद्युत धारा परिपथ से होते हुए वो बल्ब तक पहुँचती है। वो धारा जो है वो विद्युत परिपथ से होते कहाँ जाएगी, बल्ब तक, और बल्ब के अंदर क्या पाया जाता है, फिलामेंट तंतु, उसमें विद्युत आवेश की गति कम होती है और फिलामेंट में ऊष्मा बढ़ती है। विद्युत आवेश की गति कम हो जाएगी तो आवेश कहीं क्या करेंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। रुकेंगे तो फिलामेंट को क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, ज़्यादा ऊष्मा मिलेगी, ऊष्मा उसकी बढ़ती रहती है और एक निश्चित सीमा तक ऊष्मा बढ़ने पर फिलामेंट से प्रकाश ऊर्जा मिलती है। लगातार हमें बल्ब से जो तंतु होता है वही तो तप्त होता है एकदम, और उसकी ऊष्मा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चूँकि उसका गलनांक बहुत अधिक होता है इसलिए वो पिघलेगा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा तप्त होके वो हमें प्रकाश देगा। तीसरा है हमारे शरीर में खाना पचाने के बाद प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसका कुछ भाग भी विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है और जो हमारे तंत्रिका तंत्र यानी स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम से होकर फिर वो मस्तिष्क तक पहुँचता है। हृदय की धड़कनों के लिए भी विद्युत संकेतों की आवश्यकता होती है। हृदय की जो धड़कनें होती है पेस मेकर उसको कंट्रोल करता है, उसके लिए भी विद्युत संकेतों की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये तीन उदाहरण है विद्युत ऊर्जा के, कुछ उदाहरण लिखिए या दो उदाहरण लिखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें आप ये बताएंगे। आगे का जो टॉपिक है अपना, जो भी टॉपिक बच गए हैं उसके बारे में आपको फिर नेक्स्ट क्लास में